पिछले कुछ सालों में लोगों के बीच में प्रोजेक्टर्स का क्रेज काफ़ी हद तक बढ़ा है। अभी लोग अपने घर में एक अच्छी क्वालिटी का टेलीविज़न के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोजेक्टर रखना भी प्रेफर करते हैं। अभी दोस्तों बात यह है कि पहले के समय में जो प्रोजेक्टर्स आते थे उनकी जो इमेज क्वालिटी निकल के आती थी, उनका जो प्रोजेक्शन था वीडियो का, वो उतना बेहतर नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से लोग प्रोजेक्टर्स को सिर्फ ऑफिशियल यूज या फिर एजुकेशनल यूज तक ही सीमित करके रखते थे। बट जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी जा रही है, वैसे वैसे प्रोजेक्टर्स में भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब जो वीडियो क्वालिटीज प्रोजेक्टर जनरेट करते हैं वो बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है, जिसके वजह से आपके मूवी देखने का, सीरियल देखने का या फिर आपके पर्सनल इंटरटेनमेंट का जो भी वीडियो या जो भी सामान आप उस पर देखते हैं उससे आपको काफी हद तक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही कारण है कि लोग आजकल प्रोजेक्टर्स की तरफ काफी हद तक मूव कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, जब हम कोई एक नया टेलीविजन लेने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें उसमें क्या क्या देखना है, हमें पर्सनल लेवल पे उसमें किन किन क्वालिटीज या फिर किन किन फीचर्स की जरूरत है, हम उसे काफी इजीली सेलेक्ट कर पाते हैं। बट वही अगर हम एक प्रोजेक्टर के बारे में सोचते हैं तो हमें प्रोजेक्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज होता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस क्या होता है, लूमेंस क्या होता है, इंटेंसिटी, लेंस की लाइफ होती है वो क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नॉलेज होता नहीं है। तो यही कारण है कि हम जब जाते हैं मार्केट में तो जो मार्केट में जो सेलर बैठा हुआ है, जो दुकान है, वो हमें कोई भी अंट संट प्रोजेक्टर पकड़ा देता है और हम लास्ट में उसे लेके अपने घर पे आते हैं तो हम उससे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट होते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताते हैं कुछ ऐसे खास पॉइंट्स जिसको अगर आप कंसीडर करते हो प्रोजेक्टर खरीदने के टाइम पे तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक बहुत ही बेहतर प्रोजेक्टर सिलेक्शन कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या ही रखा है, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन से कुछ पैरामीटर्स बताए हैं जिसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए एक प्रोजेक्टर खरीदने से पहले। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्राइटनेस। आपको हमेशा एक प्रोजेक्टर खरीदने से पहले प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस के बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप अपने पर्सनल घर के यूज के लिए एक प्रोजेक्टर खरीदने जा रहे हो तो मिनिमम 1500 लूमेंस से लेके 2000 लूमेंस के बीच का प्रोजेक्टर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि घर में क्या होता है कि हम लाइट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें अंधेरा करना है तो हम लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, अभी हमें थोड़ा उजाला करना है तो हम लाइट को ऑन भी रख सकते हैं, यानी टोटली कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम उसको ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट वही अगर आप एक ऑफिस के लिए प्रोजेक्टर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर आपको मिनिमम 3000 से लेकर 3500 के लूमेंस वाले ही प्रोजेक्टर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। अब ऑफिस में ऐसा क्यों है वो आप इजीली समझ गए होंगे। ऑफिस जो है जनरली डे टाइम में हम ऑफिस में होते हैं और ऑफिस में बहुत ज़्यादा लाइट्स होते हैं, तो उसमें अगर आपका ब्राइटनेस कम हुआ प्रोजेक्टर का तो डेफिनेटली प्रोजेक्टर की जो इमेज क्वालिटी निकल के आएगी वो बहुत ही भद्दी, बहुत ही ख़राब और अनशार्प क्वालिटी की होगी, जिससे जो भी चीज़ प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हो रहा होगा प्रोजेक्शन स्क्रीन पर वो आपको क्लियर शो नहीं होगा। तो इसलिए ब्राइटनेस का ध्यान खास कर रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है रिजोल्यूशन। अब डेफिनेटली रिजोल्यूशन तो आपको पता ही है कि HD, Full HD, 4K, 2K ये सारे रिजोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोजेक्टर को किस यूज में लेना चाहते हो। अगर आप अपने घर पे उसे होम थिएटर की तरह बनाकर अगर आप उस पर मूवी, सीरियल्स वगैरह देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मिनिमम आपको फुल HD प्रोजेक्टर से नीचे के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, 4K तक लीजिए तो वो आपके अगर बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली 4K, 8K प्रोजेक्टर्स तक आते हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, बट मिनिमम फुल HD प्रोजेक्टर तो आपके पास होना ही चाहिए हर तरह की क्वालिटी को इंजॉय करने के लिए, हर तरह के इंटरटेनमेंट पैकेट एंजॉय करने के लिए। अभी जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, वो है थ्रो डिस्टेंस। थ्रो डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो प्रोजेक्टर से इस प्रोजेक्शन स्क्रीन के बीच की दूरी होती है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर को जहां पे रखते हो और आप जिस वॉल पे प्रोजेक्शन करना चाहते हो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम थ्रो डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अभी यहां पे क्या होगा कि फ्रेंड, यहां पे भी दो कंडीशन बनते हैं कि आप प्रोजेक्टर को घर के यूज के लिए ले रहे हो या फिर ऑफिस यूज के लिए। अगर आप घर के यूज के लिए ले रहे हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो थ्रो डिस्टेंस है वो कम से कम हो, यानी मिनिमम से मिनिमम हो, यानी 1 मीटर हो, आधे मीटर हो, इससे ज़्यादा थ्रो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि आपको पता है कि घर में जो कमरे होते हैं 10, 11, 12 फीट से ज़्यादा चौड़े तो होते नहीं हैं, तो यानी आप कहाँ पे रखोगे प्रोजेक्टर को और कहाँ पे स्क्रीन पे प्रोजेक्शन करोगे इसमें बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम डिस्टेंस होगा तो आप इजीली उसे मैनेज कर पाओगे। वही अगर ऑफिस के लिए ले तो ऑफिस में तो बड़े बड़े हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम्स रूम होते हैं, तो वहाँ पे आप इजीली कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे इतना इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है स्क्रीन साइज का। डेफिनेटली स्क्रीन साइज बड़ा करने के लिए ही आप प्रोजेक्टर लेते हो, यानी अगर आपको छोटे स्क्रीन पर देखना होगा तो इजीली आप उसे टीवी पर देख सकते हो, अपने कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि मुझे एक बड़ी स्क्रीन चाहिए अपने घर पर, जैसे कि सिनेमा हॉल में होती है, तो ये मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपका प्रोजेक्टर हो वो अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपका प्रोजेक्शन करे स्क्रीन पे, वो भी कम से कम 100 इंचेस से कम तो नहीं होना चाहिए, यानी आपका प्रोजेक्टर 100 इंच से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए। अब जो पांचवा पॉइंट है फ्रेंड, वो है ऑडियो से रिलेटेड। अब यार ऑडियो इतना ज़्यादा खासकर होता नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स में जो ऑडियो आउटपुट लगे होते हैं, जो स्पीकर्स लगे होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप प्रोजेक्टर ले रहे हो तो आपको एक साउंड बार या फिर होम थिएटर सिस्टम पे भी खर्चा करना चाहिए, ताकि आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। अब जो छठा पॉइंट है फ्रेंड, वो है कनेक्टिविटी। डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्टर है उसमें हर तरह की कनेक्टिविटी अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे USB पोर्ट्स हो गए, HDMI पोर्ट्स हो गए, VGA पोर्ट्स हो गए, SD कार्ड हो तो और अच्छी बात है। साथ ही साथ ऑडियो के लिए हर तरह की कनेक्टिविटी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप ओवरऑल किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जब आप अपने कंटेंट को अपने प्रोजेक्टर पे एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। तो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्टर में यूज की गई है प्रोजेक्शन के लिए। तो जनरली दो तरह की होती है, एक DLP होती है और एक LCD होती है। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा, आँख बंद करके LCD के साथ जाइए, DLP को प्रीफर मत करिएगा। आठवां और सबसे लास्ट पॉइंट है आपके लैंप लाइफ का। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप प्रोजेक्टर खरीद रहे हो उसके लैंप की लाइफ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर बहुत कम लैंप लाइफ होगी और आप थोड़ा सा यूज ज़्यादा कर लिए तो आपको साल के अंदर ही उसके लैंप को चेंज कराना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट अच्छा खासा आता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके जो लैंप है उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, और इवन आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे कितना प्रोजेक्टर यूज करोगे इन फ्यूचर और लैंप लाइफ कितनी है, उसको कैलकुलेट कर लो। मिनिमम 3 से 5 साल तक अगर आप प्रोजेक्टर को यूज कर पाते हो अपने लैंप लाइफ के साथ, देन आपका लैंप लाइफ काफ़ी सफिशियंट है आपकी यूजेस के लिए। ये तक टोटल 8 पॉइंट, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगर आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्टर का सिलेक्शन करते हो तो डेफिनेटली आप पछताओगे नहीं। और एक बात और, मैंने टॉप 5 बेस्ट प्रोजेक्टर्स अवेलेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो अभी हैं उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और उसके अलावा आप ऑफलाइन मार्केट में भी एक बार ज़रूर आपको सर्च करना चाहिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, ताकि आपको एक बेस्ट डील मिल सके। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।